हे इंद्र, तूने कपट करने वाले शुष्ण को कपटों से ही मारा। कपट करने वाले शत्रु के साथ कपट का प्रयोग करके ही उसका पराभव करना चाहिए। सब भले बुरे कर्मों को जानने वाले, इस यज्ञ अर्थात समाज में संगठन के कार्यों को करने वाले अग्रणी को हम एक मत से अपना नेता स्वीकार करते हैं। प्रजाओं के प्रिय और तेजस्वी प्रजापालक राजा की सदा प्रशंसा होती है। हे अग्नि, तू राक्षसी स्वभाव वाले हिंसक शत्रुओं को जला दे। अग्नि ज्ञानी, तरुण और तेजस्वी मुख वाला है। हे अग्रणी, जो दूत कर्म करने वाले तेरी सेवा करता है, उसकी तू रक्षा करने वाला हो। जो मनुष्य श्रेष्ठ होने के लिए इस अग्रणी की सेवा करता है, हे पवित्र करने वाले अग्नि, तू उसे सुखी कर। हे अग्नि, तू मनुष्यों का हित करने वाला और होता है। मातृभूमि, मातृ संस्कृति और मातृभाषा, ये तीनों देवियाँ सुख देने वाली हैं। वह सबका निर्माण करने वाला प्रभु केवल हमारा ही होकर रहे। हे ज्ञानी अग्ने, तेरे ज्ञान पूर्वक कर्मों की सब प्रशंसा करते हैं। ज्ञान पूर्वक किए गए कर्मों की सर्वत्र प्रशंसा होती है। हे अग्ने, यज्ञ करने वाले तथा सत्य की वृद्धि करने वाले मनुष्यों को तू पत्नियों से युक्त करता है। धन देने वाला देव हमें धन प्रदान करे और हम उन धनों को देवों को प्रदान करें। गृहस्थाश्रम में रहने वाला ऋतु के अनुसार रहकर ही शुभ कर्म करने में प्रवृत्त होता है। देवत्व पाने की इच्छा करने वालों को ज्ञानियों का सत्कार करना चाहिए। यज्ञ में डाली जाने वाली ये लाजाएं कीलें घी में भीगी हुई हों। यह स्तोत्र श्रेष्ठ, हृदय को छूने वाला और शांति देने वाला हो। हमारी शक्तियों का संगठन हो, हमारी उत्तम बुद्धियों में एकता हो, अर्थात हम सभी एकमत वाले होकर चलें, ताकि हम सभी बलशालियों में मुख्य हों। जिसके बिना विद्वानों का भी यज्ञ सिद्ध नहीं होता, उन उत्तम बुद्धियों से मनुष्य संपन्न हो। सभी देवगण कभी किसी से द्रोह नहीं करते। सत्य विचार वाले, सरल स्वभाव वाले ऋभुओं ने अपने माता पिता को फिर से तरुण बना दिया। वे महान और मनुष्यों के समाजों के स्वामी इंद्र, राजा और अग्नि, ब्राह्मण विद्वान दुष्टों को सरल स्वभाव वाला बना दें। हम सब उस सूर्य के नियमों का पालन करें। सिद्धियों के प्रदाता सूर्यदेव अब प्रकाशित हो रहे हैं। उदय होता हुआ सूर्य स्वास्थ्य आदि अनेक सिद्धियों को देने वाला है। हे पृथ्वी, तू सुखदायिनी, कंटक रहित और हमारा निवास कराने वाली बन और हमें विस्तृत सुख दे। विष्णु ने यह विक्रम किया। उसने तीन प्रकार से अपने पद रखे, पर इसका एक पद धूल प्रदेश में अंतरिक्ष में गुप्त है, न दबने वाला। सबका रक्षक विष्णु सब धर्मों को धारण करता हुआ यहाँ से तीन पद रखने का विक्रम करता है। विष्णु के ये कर्म देखो, उनसे ही हम अपने व्रतों को किया करते हैं। यह विष्णु इंद्र का सुयोग्य मित्र है। विष्णु का वह परम स्थान द्युलोक में फैले हुए प्रकाश के समान ज्ञानी सदा देखते हैं। विष्णु का जो पद है, उसे कर्म कुशल और जागृत रहने वाले ज्ञानी सम्यक प्रकाशित हुआ देखते हैं। ये दोनों मित्र और वरुण सरलता से सन्मार्ग की वृद्धि करने वाले और सन्मार्ग की ज्योति के पालन करता हैं। जल के भीतर अमृत है, जल में औषधि के गुण हैं। ऐसे जलों की प्रशंसा करने के लिए हे देवों, तुम उत्साही बनो। सोम ने मुझसे कहा कि जलों के अंदर सब औषधियां हैं। सबको सुख देने वाला अग्नि है और जल सब तरह की दवाइयां देता है। हे जलों, मेरे शरीर के लिए संरक्षक औषधि दो, जिससे निरोग होकर मैं बहुत काल तक सूर्य को देखूं। मुझमें जो दोष हो, जो मैंने द्रोह किया हो, जो असत्य भाषण किया हो, ये सब दोष ये जल मेरे शरीर से बाहर बहाकर ले आवें और मैं शुद्ध बन जाऊं। वह अग्नि मुझ बड़ी अदिति के पास पुनः दें, ताकि मैं पिता और माता को देख सकूं। हे वरुण देव, ये उड़ने वाले पक्षी तेरे पराक्रम का अंत नहीं पा सकते, तेरा बल तथा उत्साह भी नहीं प्राप्त कर सकते। हमेशा चलने वाले ये जल प्रवाह भी तेरी गति को नहीं जान सकते, और जो वायु के वेग को रोकते हैं, वे भी तेरे सामर्थ्य को नहीं लांग सकते।
पवित्र कार्य करने के लिए अपने बल का उपयोग करने वाला राजा वरुण वन के स्तंभ को आधार रहित आकाश में ऊपर ही ऊपर धारण करता है, अर्थात जल के आधारभूत सूर्य को ऊपर आकाश में स्थिर करता है। इस सूर्य की शाखाएं नीचे की ओर हैं और मूल ऊपर द्युलोक में है। द्यु और पृथ्वी के मध्य में किरणें फैली रहती हैं। राजा वरुण ने सूर्य के मार्ग को उसके गमन के लिए विस्तृत बनाया। स्थान रहित अंतरिक्ष में पांव रखने के लिए उस वरुण ने स्थान भी बना दिया। ये नक्षत्र ऊपर आकाश में उच्च भाग में रखे हुए हैं। ये रात्रि के समय दिखते हैं। विशेष रूप से चमकता हुआ चंद्रमा रात्रि में आता है। वरुण राजा के ये सभी नियम अटूट हैं। हे बहुतों द्वारा प्रशंसित देव वरुण, क्रोधित न होता हुआ तू हमारी प्रार्थना सुन, हमारी आयु को मत घटा। हे तेजस्वी वरुण, तेरे क्रोध को हम अपने नमस्कारों से दूर करते हैं। तू हमारे लिए पापों को शिथिल करके विनष्ट कर। हे वरुण, हमारे सत्वगुण रूपी उत्तम पाश को ढीला करो, तमोगुण रूपी अधम पाश को ढीला करो तथा रजोगुण रूपी मध्यम पाश को ढीला करो। हे अदित्य पुत्र वरुण, हम तुम्हारे व्रत में रहते हुए पाप रहित हों। अपना निरादर करने वाले का वध करने के लिए ऊपर उठाए हुए अस्त्र से हमारी हिंसा मत कर। हे देव, दाता को तुम तत्काल धन देते हो। हे अग्निदेव, युद्ध में जिस मनुष्य की तुम रक्षा करते हो, जिसको तुम रणों में जाने के लिए उत्साहित करते हो, वह शाश्वत अन्नों का नियामक होता है। हे शूरवीर, हमारे वे शत्रु सोए रहें और मित्र जागते रहें। हे शत्रु नाशकों अश्वदेवों, तुम दोनों का एक साथ जोते जाने वाला रथ विनाश रहित है, जो समुद्र में चलता है। हे अग्ने, तू सबसे पहला अंगिरा नामक ऋषि हुआ था। तू देवों का देव और कल्याणकारक मित्र हुआ। व्यापक यह अग्नि सभी प्राणियों को बुद्धि प्रदान करने वाला है। उत्तम कर्म करने की इच्छा से युक्त होकर यह अग्निदेव मनुष्यों के हित के लिए प्रकट हुआ। इसके डर से दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक कांपते हैं। हे अग्ने, तूने मनुष्यों के हित के लिए आकाश को शब्द गुण युक्त बनाया। हे अग्ने, तू बड़ा बलिष्ठ और पुष्ट देकर सबको बढ़ाने वाला है, पूर्णायु देकर मनुष्य को बसाता है। हे अग्ने, तू कुमारगी मनुष्य की भी अपने साथ रहने पर युद्ध में सहायता करता है और शूर वीरों के युद्ध में थोड़े से वीरों को लेकर भी बहुत से शत्रुओं को मार देता है। हे अग्ने, तू इस उत्तम मनुष्य को अमरत्व प्रदान करते हो। हे अग्ने, तू धनों के दान के लिए हमें यश देने वाली कारीगरी की विद्या प्रदान कर। हे निंदा के अयोग्य अग्ने, तेजस्वी तू देवों में हमेशा जागता रहता है। नियम के पालन करने वाले तथा उत्तम पुत्र वाले मनुष्य को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। हे अग्ने, तुझे देवों ने प्रथम आयु दी, पश्चात उन्होंने मानवों के लिए प्रजापालक राजा का निर्माण किया, तब मनुष्यों की व्यवस्था के लिए धर्म नीति का निर्माण किया। जैसे पिता से ममत्व रूप पुत्र का जन्म होता है, वैसे ही आत्मीयता से राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करे। तू अपनी संरक्षण शक्ति से हमें बलवान बनाकर हमारे शरीरों की सुरक्षा कर। हे अग्ने, तू यत्न करने वाले का संरक्षक है। किसी की हिंसा न करने वाले और दूसरों के पोषण करने वाले को तू अन्न देता है। तू श्रद्धा से स्तुति करने वाले भक्त को उत्तम और श्रेष्ठ धन प्रदान करता है। हे अग्ने, दुर्बल को भी उत्तम बुद्धि प्रदान करने के कारण तुझे सब पिता कहते हैं। यह अग्रणी अज्ञानियों को ज्ञान और उन्नत की दिशा दिखाता है। हे अग्ने, तू प्रयत्न से उत्तम कर्म करने वाले के लिए जो योग्य दक्षिणा देता है, उस मनुष्य की तू हर तरह से रक्षा करता है। जिस घर में अतिथियों के लिए हमेशा स्वादिष्ट पदार्थ तैयार रहते हैं तथा जीवों के हित के लिए यज्ञ किया जाता है, वह घर स्वर्ग की उपमा के योग्य है। हे अग्ने, तू शांत और अकुटिल स्वभाव वालों का पालक है। वज्रधारी इंद्र ने जो पहले पराक्रम किए थे, इंद्र के उन्हीं पराक्रमों का हम वर्णन करते हैं। इंद्र ने अहि असुर का वध किया, पश्चात जल प्रवाहों को मुक्त किया और पर्वतों में से नदियों का मार्ग खोलकर विशाल किया।
हे इंद्र, जब तूने अहियों में से प्रमुख वीर का नाश किया, तब कपटियों के कपट पूर्ण षड्यंत्र का भी नाश किया। पश्चात आकाश में उषा और सूर्य को प्रकट किया, तब तुम्हारे इस इंद्र के लिए कोई भी शत्रु निःसंदेह नहीं मरा। इंद्र ने बड़े घातक शस्त्र से बड़े घेरने वाले वृत्र का वध किया। महाघमंडी और अपने को अप्रतिम योद्धा समझने वाले वृत्र ने महावीर और बहुत से शत्रुओं का प्रतिबंध करने वाले शत्रुनाशक इंद्र को आह्वान देकर युद्ध के लिए बुलाया, पर बाद में इस इंद्र के आघातों का सामना वह नहीं कर सका। हे इंद्र, वृत्र का वध करते समय तुम्हारे हृदय में यदि भय उत्पन्न हो जाता, तब तुमने अहि का वध करने के लिए किस दूसरे वीर को देखा होता, अर्थात तुम्हें छोड़कर कोई दूसरा वीर मिलना संभव ही नहीं था। सब सेनाओं का सेनापति इंद्र तर्कसों को अपने पीठ पर धारण करता है। हे श्रेष्ठ इंद्र, तू हमें धन देने के बारे में बनियों जैसा व्यवहार मत कर, अर्थात धन देने में कंजूसी मत कर। यज्ञ न करने वाले दानव मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वालों के साथ शत्रुता करने वाले अयज्ञशील जन परास्त होकर दूर भाग गए। मननशील लोगों को तुम दोनों हे अश्विनव सहज ही से प्राप्त होते रहो। अंधकार से युक्त अंतरिक्ष लोकों में से परिभ्रमण करने वाले अमर्त्य और मर्त्य को विश्राम देने वाले सविता देव सब भुवनों को देखते हुए सुवर्ण के रथ से आते हैं। ये सविता देव सब पापों या दुष्ट भावों को दूर करते हुए दूर देश से आते हैं। तीन दिव्य लोक हैं, उनमें से दो लोक सविता देव के पास हैं और एक अर्थात तीसरा लोक यम के भुवन में वीरों के लिए रहने का स्थान देता है। लोग बल बढ़ाने वाली इस अग्नि को धारण करते हैं। यह अग्नि शारीरिक शक्तियों को बढ़ाती है, अंगों में रस का संचार करती है। यहाँ उत्तम मन वाला ही संरक्षक हो, रक्षा करने वाला उत्तम मन वाला ही हो। जो महात्मा सत्यनिष्ठ होते हैं उनका तेज चारों ओर फैलता है और उनका तेज आकाश तक पहुँचता है। जो मनुष्य दान करता है वह धन प्राप्त करता है। उत्तम मन से वीरों और विद्वानों की पूजा करनी चाहिए। शस्त्रधारी पुरुष ही स्वराज्य की उपासना कर सकते हैं। राक्षसों, कंजूसों, भूतों, घातकों और हिंसकों से हमें बचाओ। जो द्रोह करने वाला हमारा शत्रु हमारे घात का विचार करता है वह कभी हम पर शासन न करे। अग्निदेव उत्तम पराक्रम करता है, सौभाग्य देता है और मित्रों की रक्षा करता है। हे अग्ने, ज्योतिष स्वरूप तुझको शाश्वत काल से मानवों के हित के लिए मनु ने स्थापित किया। अग्नि की ज्वालाएं प्रकाशित बलशाली और भयंकर हैं, इसलिए इनका विरोध नहीं किया जा सकता। नेतृत्व गुण से संपन्न मरुदगण द्युलोक को एवं भूलोक को भी कंपित कर देते हैं। हे मरुतों, तुम्हारी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और दूसरा कौन है, अर्थात कोई नहीं। इन वीर मरुतों की जन्मभूमि सचमुच अटल है, अर्थात इनकी जन्मभूमि पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। मातृभूमि को ही अपनी माता मानने वाला स्तोता अमर होता है। अग्नि की स्तुति करने वाला अप्रिय और यमलोक की राह पर न चले। विनाश करने में बहुत ही कठिन यह दुर्दशा हमारा विनाश न करे। तुम्हारे हथियार शत्रु दल को हटाने के लिए अटल और सुदृढ़ रहें और शत्रुओं की राह में रुकावट खड़ी करने के लिए भी अत्यधिक बलयुक्त एवं शक्ति संपन्न हों। तुम्हारी शक्ति या सामर्थ्य अतीव प्रशंसनीय हो। कपटी लोगों का बल न बढ़े। हे शत्रु को खा जाने वाले वीरों, द्युलोक में तो तुम्हारा शत्रु नहीं पाया जाता और भूमंडल पर भी नहीं दिखता। हे मरुतों, तुम समूची जनता के साथ मिलकर प्रगति करते चलो। ऋषियों से द्वेष करने वाले क्रोध करने वाले शत्रु पर दूसरे शत्रु को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उसे किसी दूसरे शत्रु से भिड़ा देना चाहिए। जो यज्ञकर्ता को उत्तम धन देता है वह अक्षय यश प्राप्त करता है। जो वेद रूपी वाणी की प्रशंसा करता और तदनुसार आचरण करता है वह सभी तरह के सुंदर सुख प्राप्त करता है। ज्ञान का स्वामी ब्रह्मणस्पति छात्र बल का संचय करता है और राजाओं की सहायता से वह शत्रुओं को मारता है। महाभय के उपस्थित होने पर भी यह उत्तम धैर्य को धारण करता है। उत्तम ज्ञानी तरुण मित्र और अर्यमा जिसकी रक्षा करते हैं उस मानव को भला
कौन दबा सकता है। ज्ञानी जिस मानव को हिंसक शत्रु से बचाते हैं वह सब प्रकार से अहिंसित होता हुआ बढ़ता है। सत्य के मार्ग से जाने वाले के लिए इस विश्व में सुगम और कंटक रहित मार्ग मिलता है। जयत्व पाने की इच्छा करने वाले, सज्जन की हिंसा करने वाले अथवा उसको गाली देने वाला भी हमारे साथ बात न करे। शुभ संकल्पों के द्वारा ही हम सबको तृप्त करें। दुष्ट भाषण करने की इच्छा कोई न करे। चारों पुरुषार्थों को धारण करने वाले मनुष्य से विरोध करने से मनुष्य डरे। हे देव, हमें पाप से पार कराकर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। जो पापी, क्रूर और सेवा के अयोग्य दुष्ट हमें अपनी आज्ञा में चलाना चाहता हो उसे मार्ग से दूर करो। बाधा या कष्ट देने वाले दुष्टों से हमें पार ले जाओ, हमें उत्तम मार्ग से ले चलो। हे पोषक देव, उत्तम जौ वाले प्रदेश में हमें ले चलो। उत्तम वीर सामर्थ्य और अन्न हमें दो। रक्षक की मैं प्रशंसा करता हूँ। जो वीर निर्बलों की रक्षा करता है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। दिव्य अर्थात उत्तम गुण वालों की हमेशा पूजा करनी चाहिए। सर्वज्ञ इस अग्नि को सब प्रजाएं प्रदीप्त करती हैं। उषा काल में जागने वाले तथा आत्म साक्षात्कारी ज्ञानियों को देव कहते हैं। यह अग्रणी नेता अपने ग्राम का रक्षक होता है। हर अग्रणी नेता को अपने अपने ग्राम की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य मात्र के हित के लिए यज्ञ करना चाहिए। विशेष ज्ञान संपन्न देव दाता को उत्तम फल देते ही हैं। दुख के पार होने के लिए सत्य का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। हे रिद्ध को बढ़ाने वाले अश्वदेवों, तुम दोनों ने जिन शक्तियों से कण्व की अच्छी तरह रक्षा की थी उन्हीं शक्तियों से हमारी भी भली प्रकार रक्षा करो। जो विद्वान अपना मन धनादि के दान करने में लगा देते हैं उन मनुष्यों में कण्व सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। यह उषा उत्तम गृहिणी स्त्री के साथ विशेष रीति से सबका पालन करती है। पांव वालों को चलाती और पक्षियों को उड़ाती है। जीवन देने वाली यह उषा मननशील पुरुषों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। धन पाने की इच्छा वालों को प्रेरित करती है और यह स्वयं भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। ऐश्वर्य वाली स्वर्गीय कन्या यह उषा हिंसक शत्रुओं को दूर करती है। यह उत्तम संचालन करने वाली उषा प्रकाश करती है, इसलिए सब जगत इस उषा को देखते ही नमस्कार करता है। हम अत्यंत श्रेष्ठ ज्योति और देवों में भी सर्वश्रेष्ठ देव सूर्य को प्राप्त करें। आज उदय होते हुए मेरे हृदय के रोग अर्थात क्षय आदि तथा पीलिया आदि रोगों को नष्ट कर। द्वेष करने वाले शत्रुओं को हमारे अधिकार में करता हुआ यह सूर्य अपने संपूर्ण तेज के साथ उदय हो गया है। जिसके गुप्तचर सब जगह घूमते हैं ऐसे उस इंद्र को स्तुतियों से आनंदित करो। हे इंद्र, तूने अंगिराओं के लिए गौ समूह को बाहर निकाला। सैकड़ों द्वार वाले भवन में कैद किए गए अत्र के लिए मार्ग को ढूंढा। वज्र को नचाते हुए संग्राम में स्थित लोगों की रक्षा की। हे इंद्र, जब तूने बल से आच्छादन करने वाले अहि को मारा उसके बाद ही देखने के लिए सूर्य को द्युलोक में चढ़ाया अर्थात जब बादल हट गए तो सूर्य चमका। जो अन्न आदि का अपने मुंह में ही हवन करते हैं अर्थात अपने लिए ही जो अन्नादि पकाते हैं उन मायावियों को तू मायाओं से ही मार। हे इंद्र, तूने शुष्णासुर को मारने वाले युद्ध में कुछ अर्थात समाज में से बुराइयों को दूर करने वाले मनुष्य की रक्षा की। तूने अतिथिग्व अर्थात अतिथियों का सत्कार करने वाले सज्जन के लिए शंबर को मारा। हे इंद्र, प्राचीन काल से ही तू असुरों को मारने के लिए पैदा हुआ है। हे इंद्र, तुझमें सब बल एक साथ स्थित हैं। हे इंद्र, तू आर्यों को जान और जो राक्षस हैं उन्हें भी जान। व्रतहीनों पर शासन करते हुए उन्हें यज्ञकर्ताओं के लिए नष्ट कर। इंद्र व्रत करने वालों के लिए व्रतहीनों का नाश करता है। यह इंद्र मातृभूमि के भक्तों के द्वारा देशद्रोहियों को नष्ट करवाता है। जब उष्णा ऋषि ने अपने बल से तेरे बल को तीक्ष्ण किया तो तेरे बल ने अपनी तीक्ष्णता से द्युलोक और पृथ्वी लोक को डराया। यह इंद्र जब आनंदित होता है तब अत्यंत कुटिल शत्रु पर भी शासन करता है।
यह इंद्र अपने कर्मों के कारण स्थिर यश को प्राप्त होता है। इंद्र उत्तम बुद्धि वालों की दारिद्र में सहायता करता है। इंद्र सब धनों पर शासन करता है। इस संग्राम में हम सब वीरों के साथ तेरे अर्थात इंद्र के आश्रय में रहें। जिस प्रकार जल प्रवाहों में पर्वत स्थिर रहता है, उसी प्रकार यह इंद्र संग्रामों में स्थिर रहता है। वह इंद्र शत्रुओं का कट्टर शत्रु है, पर मित्रों के लिए चंद्र के समान आह्लाद कारक है। जब वृत्र जलों को रोककर अंतरिक्ष के मूल में सो गया था, तब जलों को बहाने के लिए हे इंद्र, तूने मुश्किल से मारे जाने वाले वृत्र की ठोड़ी पर वज्र को मारा। तब इस इंद्र का तेज चारों ओर फैल गया और इसका बल सर्वत्र प्रकाशित हुआ। त्वष्टा ने भी तेरे योग्य बल को बढ़ाया और शत्रु को हराने में समर्थ वज्र तीक्ष्ण किया। जब हे इंद्र, तूने बल से द्युलोक और पृथ्वी लोक को पीड़ित करने वाले वृत्र के सिर को काट डाला, तब बलवान द्युलोक भी वृत्र के चिल्लाहट को सुनकर कांपने लगा।